बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ हमने इंडक्टेंस के ऊपर बात की थी, उसकी टाइप्स के ऊपर बात की. एंड देन वी डिस्कस अबाउट इंडक्टेंस आर टू टाइप्स, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. और उसके बाद हमने इंडक्टेंस के लिहाज सेल्फ इंडक्टेंस को सबसे पहले स्टडी किया. एंड देन वी कंप्यूटेड द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, इंडक्टर इन डीसी सर्किट, एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड. एंड एट द एंड आफ्टर कंप्यूटिंग द एनर्जी स्टोरेज एक्सप्रेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया था और उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के ऊपर बात की. सो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को एंड कर देंगे. आज के लेक्चर के अंदर हिस्सा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कि ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ होती है और इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, हम मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं और एट द एंड द एनिमेशन ऑन म्यूचुअल इंडक्शन के हम एनिमेशन की फॉर्म के अंदर अगर इनको देखना चाहें तो कुछ सिमुलेशन हैं जिसकी मदद से हम देख सकेंगे कि जब आप एक कॉइल को किसी दूसरी कॉइल के करीब लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर बगैर किसी सोर्स के करंट और वोल्टेज जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा है. तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्किट ऑफन वेरीज विद द टाइम बिकॉज द टाइम वेरिंग करंट इन नियर बाय सर्किट. तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर आपके अगर कोई करंट है वो किसी भी सर्किट के गिर्द जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वेरी होते हैं, तो ऐसे इनक्लोज सर्किट के अंदर फ्लक्स का प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द टू सर्किट. सो नाम से ही जाहिर है कि इट रिक्वायर द इंटरेक्शन ऑफ द यू कैन से टू और मोर सर्किट, तो इसलिए हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. जबकि जो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन का वो वही है जो आपने इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्म में पढ़ा हुआ है. तो एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्किट जिसके नतीजे के अंदर बगैर किसी सोर्स के किसी दूसरे सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाए या ईएमएफ वोल्टेज इंड्यूस हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे. एज यू कैन सी हियर देयर आर द टू कॉइल्स, ये पहली कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है. तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी दिखाया गया कि एक कॉइल के अंदर करंट जो है फ्लो करता है और आप सब लोग जानते हैं कि जब किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है तो कॉइल जो है एज अ मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है. इस मैग्नेटिक फील्ड जो है जो लाइन्स हैं ये क्रॉस कर रही हैं दूसरी कॉइल को, जिसके नतीजे के अंदर इस कॉइल की वजह से जिसका मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दूसरी कॉइल के अंदर मौजूद है पहली कॉइल की वजह से. सो यू कैन सी है कि जैसे जैसे करंट की मिकदार, करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट की वजह से जो पैदा हो रहा है वो भी चेंज होगा और जिसके नतीजे के अंदर फ्लक्स जो है वो चेंज होगा. एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंड्यूसेस द ईएमएफ. तो जिसके नतीजे के अंदर सेकेंड कॉइल के अंदर जो है इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाती है. सो ड्यू टू दिस रीजन कॉइल वन और कॉइल टू के दरमियान एक लिंकेज प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम आमतौर पर मैग्नेटिक लिंकेज का नाम भी देते हैं. इस मैग्नेटिक लिंकेज की वजह से ये जो बुनियादी मसला है या यू कैन से द बुनियादी इंटरेक्शन है, एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से, और इसी को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं. आप इस व्यू को इन द फॉर्म ऑफ अगर पिक्टोरिकल व्यू देखें पिक्चर के जरिए से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये एन वन कॉइल्स हैं और ये आई वन करंट कॉइल फ्लो कर रहा है कॉइल वन में. फिर जो है ये सेकेंड कॉइल है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन टू है और इसकी पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कि फ्लक्स जनरेट होता है इन द फॉर्म इन सेकेंड कॉइल, तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आई टू है. हालांकि सेकेंड कॉइल के अंदर किसी किस्म के भी हमने सोर्स ऐड नहीं किया हुआ जो कि करंट को जनरेट करवा रहा है. सो
This is only due to the magnetic linkage and as well as it is due to the mutual induction. So ये mutual induction की वजह से आपके पास एक coil की magnetic flux के change होने से दूसरे coil में current produce हो रहा है. और इसको अगर आप mathematically define करना चाहें कि ये कैसे हो रहा है, तो आइए बड़ा simple mathematics से इसको समझने की कोशिश करते हैं. आइए सबसे पहले हम start करते हैं the amount of current. तो अगर देखा जाए तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कॉइल वन. तो हम I1 ले लेते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट करंट इन द फर्स्ट कॉइल विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी से द फ्लक्स विच इज़ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कॉइल. तो ये वो फ्लक्स है जो पहली कॉइल प्रोड्यूस कर रही है और आप इसको लिख सकते हैं 5 1 2. अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में अकेले हाथ से देखूँ तो आई एम राइटिंग हेयर द 1 2. पहला करंट पहली कॉइल का करंट है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड किसका है जी, फर्स्ट कॉइल का. और फ्लक्स किस में से आउट हो रहा है, सेकंड कॉइल के अंदर. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड कॉइल में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है या उसमें से कितना फ्लक्स कंप्यूट किया जा सकता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट. जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स दूसरी कॉइल में मौजूद होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म कि जिसके अंदर आपके पास ये डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर है. सेकेंडली अगर आप देखें तो आपके पास जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका फ्लक्स जो है और अमाउंट ऑफ करंट, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नंबर ऑफ टर्न्स. कि सेकेंड कॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद होंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास जो है ये EMF जनरेट ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ. सो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो यू विल हैव अ कांस्टेंट रिलेशन दैट कि आपके पास जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2 ∅12 एंड हियर इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है जिसको हम कहते हैं दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस. और इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं. और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है बोथ सर्किट्स जो कि पहली कॉइल और दूसरी कॉइल है इसकी ज्योमेट्रिक्स के ऊपर, उनके ओरिएंटेशन के ऊपर और इनके स्ट्रक्चर के ऊपर. तो इस तरह से आप म्यूचुअल इंडक्शन को कंप्यूट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सर्किट्स के हवाले से और इस तरह से हम इनको डिफाइन भी कर सकते हैं. इसी तरह से इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टडी दैट कि आपके पास जो है EMF कैसे इंड्यूस हो रहा है बाय कॉइल 1 इन 2, तो उसको भी हम देख सकते हैं. और इसके लिए आप सिंपल जो है फैराडे लॉ अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ I1 वेरीज विद टाइम देन द EMF इंड्यूस्ड बाय द कॉइल 1 इन कॉइल 2 इज गिवन एज, सो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकंड कॉइल इज इक्वल टू द अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ माइनस N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल एंड द चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस 5 1 2 मीन्स फ्लक्स ड्यू टू कॉइल 1 इन 2 एंड विच इज इक्वल टू दिस. आप इस एक्सप्रेशन को अगर रीअरेंज करें सेकेंड इक्वेशन के साथ को चेंज करते हुए तो यू विल हैव दिस फार्मूला एज कि आपके पास I1 M12 इज इक्वल टू N2 एंड दिस इज दी 5 1 2. तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है और इसमें क्लियरली है कि आप इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया और आपके पास ये EMF की वैल्यू आ जाती है जो कि सेकंड कॉइल के अंदर जनरेट हो रही है पहली की वजह से. इफ द करंट इज इन सेकंड कॉइल देन देयर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस M2. और अगर यही काम हमारा पहले की जगह दूसरे कॉइल के अंदर करंट तब्दील होगा तो उसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M21 हो जाएगी और उसके मुताबिक जो है ये आपके पास हो जाएगी. इफ द करंट वेरीज जो है उस हिसाब से वेरीज विद टाइम द EMF इंड्यूस्ड बाय द कॉइल 2 इन कॉइल 1 इज इक्वल टू इंड्यूस EMF माइनस, और आपने सिर्फ सिमिलैरिटी को देखते हुए इसको 2 1 और इसको 2 के फॉर्म में लेके आना और ये इजीली आप इसको वेरी करते हुए फर्स्ट कॉइल के लिए भी ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम किसी भी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वजह से पैदा होने वाला जो इंड्यूस करंट है वो निकाल सकते हैं. इसी तरह से हम इंड्यूस EMF को भी कंप्यूट कर सकते हैं. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दीज टू म्यूचुअल इंटरेक्शंस और हम इसको
किसी भी फिनोमेना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप देखें तो अगर आप बेशक फर्स्ट कॉइल के लिए करें या सेकंड कॉइल के लिए करें, तो ओवरऑल जो इंटरेक्शन होगी वो सेम होगी। सो इसलिए आप क्या करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 1 कुड बी इक्वल टू ओनली अ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, और इसको जस्ट हम एक एम के तौर पर ले सकते हैं। और इसका जो यूनिट है वो ऑब्वियसली सेल्फ इंडक्टेंस की तरह जो है वो लिखा जाता है, हेनरी लिखा जाएगा। सो इन म्यूचुअल इंडक्शन द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन वन ए कॉयल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच द करंट इन द अदर कॉयल इज चेंजिंग। तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर ई एम एफ जो पहली कॉयल में जो इंड्यूस हो रही है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट इन द अदर कॉयल, और उसको आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली द म्यूचुअल इंडक्शन इन वन कॉयल इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्शन इन द अदर कॉयल। सो M12 is equal to M21 is equal to in general M. So उस वाले से the induced EMF can be expressed as ये है epsilon 1 is equal to minus M d I2 over dt, और इसी तरह से ये epsilon 2 is equal to minus M d I over dt की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये दोनों एक ही बातें हैं but their induced EMFs are different है। So इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वी आर वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कि अगर हम देखना ना चाहें कि किस तरह से जो है प्रैक्टिकली जो आपके पास ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं इसके पीछे फिनोमेना क्या है और ये किस तरह से वर्क करेगा, तो उसके लिए हमने एक एनिमेशन पैकेज है हमारे पास जिसका कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई हैव अ एनिमेशन ऑफ द बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को आप देखें तो दिस इज दी मैग्नेट एंड दिस इज दी ये कंपस है जी हमारे पास यहाँ पे, और ये सेकेंडली आपके पास ये बार मैग्नेट है, और ये जो है यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है शो कंपस, तो ये कंपस खत्म हो जाएगा। फील्ड है तो ये फील्ड हो जाएंगी, ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं फील्ड की, और उसके बाद जो है ये फील्ड भी यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं। इन साइड का तो आप इन साइड भी देख सकते हैं, इसके अंदर आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेड वाली साइड है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, जो वाइट वाली साइड है ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यू कैन सी इजीली दैट कि जो इलेक्ट्रिक आपका मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ ओरिएंटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उस वाले से ये आपके पास विजुलाइज किया जा सकता है, तो ये आपकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और ये मैं स्ट्रेंथ कम कर रहा हूँ तो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड डिम भी हो रहा है, और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊँगा तो ये उतना ही वाजिया तौर पर हमें ओरिएंटेशन नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक कॉयल लेना चाहते हैं तो यू हैव अ डैशबोर्ड जिसके ऊपर ऑप्शन दी गई है कि पिकअप अ कॉयल, हम इस पर जाते हैं और इस पर पिक करते हैं, तो ये कॉयल है जी हमारे पास, और ये सिंपल एक इंड्यूस ईएमएफ की एग्जांपल है, उसकी एनिमेशन आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस मैग्नेट को पकड़ूँ और इस मैग्नेट को अगर मैं जैसे मूव करवाता हूँ हेयर एंड देयर, तो यू कैन सी हेयर कि आपका जो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है ये इंडिकेशन देता है और लुमिनेसेंस प्रोड्यूस हो रही है, ये लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है इट इज़ ड्यू टू दी इंडिकेशन दैट यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है जिसके नतीजे में इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है, और आपके पास जो है इंडक्शन की वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ है आइदर मूविंग अवे और अपवर्ड्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या है ये करंट की जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन दिस एनिमेशन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि ये आपके पास क्या है एक सिंपल इंडक्शन की एग्जांपल है जिसके अंदर आप यहाँ पे चीज़ों को चेंज दे सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि किसी भी जो कॉयल है उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो आप अगर इसका एरिया बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी वजह से भी करंट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा और उसके मुताबिक जो है इंटरेक्शन जो है हमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। सिमिलरली यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये डीसी वोल्ट है, तो डीसी वोल्ट्स अगर वेरी करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। एज यू कैन सी है कि यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी है तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का पर्पज़ भी यही होता है कि जब करंट की मौजूदगी रहे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। जैसे ही करंट को मैं जीरो पे लेके आता हूँ इस वैल्यू को, तो करंट जो है वो जीरो हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो चुका है और फील्ड लाइन ख़त्म हो चुकी है। अगेन आई एम गोइंग फ्रॉम डिवर्टिंग दी वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट्स, तो ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है।
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर जो है एक कॉइल दूसरे कॉइल के साथ लिंक होती है मैग्नेटिकली, और इसकी एग्जाम्पल जो है आप बड़े वाजह तौर पर देख सकते हैं। अगर मेरे पास करंट जो है यहाँ पे क्या है, ये जीरो वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो है, तो एक कॉइल में कोई करंट नहीं है, इसकी वजह से दूसरी कॉइल भी आपस में किसी किस्म के भी मैग्नेटिक लिंकेज में मौजूद नहीं है। इन सारी सूरत के ऊपर आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। बट जैसे ही आप इस जीरो से इस बल्ब को लेके जाएंगे 10 की तरफ, तो यू विल फील दैट कि आपका जो बल्ब है वो रोशन होगा। और ये इसलिए रोशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट कि करंट वेरी कर रहा है। करंट के वेरी करने की वजह से, सॉरी वोल्टेज की वेरी करने की वजह से आपका जो सर्किट है, पहला सर्किट के अंदर करंट वेरी हो रहा है। पहले सर्किट के अंदर करंट वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से सेकेंड कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने की वजह से आपके पास इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है। एंड एज पर अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, ये आपके पास क्या आ जी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है सेकेंड कॉयल के अंदर। इनका आपस में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इनका आपस में मैग्नेटिक रिलेशन है, तो इसलिए हम इसको मैग्नेटिक लिंकेज कहते हैं। और पहली कॉयल और दूसरी कॉयल जो है इन सब के दरमियान जो है ये सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, और उसके मुताबिक जो है ये सारे का सारा चीज़ें वन बाई वन रिमूव की जाएगी। ठीक है, अगर हम यही चीज़ें एसी सर्किट के साथ अटैच कर देते हैं, तो एसी सर्किट की वैल्यू चेंज करने से यू विल हैव अ कंटिन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से इंड्यूस ईएमएफ, और जिसके नतीजे के अंदर आपके पास यहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस हो सकता है, और इसके मुताबिक ये सारी चीज़ें वेरी करती जाएंगी और ये मूव करेगा। तो सवाल से जो है आप इसको लूप एरिया भी बढ़ा सकते हैं। लूप एरिया के बढ़ाने से और ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो सकती है सेकेंड कॉयल के अंदर, और यूँ जो है म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए से आप इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से वर्किंग कर रही हैं। अगर इनकी फिजिकल एग्जांपल के लिए आपसे देखा जाए, तो डेली लाइफ के अंदर हम ऐसी बेशुमार एग्जांपल हैं, इनमें से जो इजीएस्ट वे है वो है हमारे पास जनरेटर की एग्जाम्पल। आप जनरेटर की तरफ देखें तो मैं जैसे ही इस टैप को ऑफ करता हूँ, तो देर इज नो यू कैन से इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कॉइल, और ये करंट क्या है इसके अंदर ज़ीरो है, और जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो है ये बल्ब बिल्कुल ही जीरो वैल्यू पे है। बट इफ़ यू ओपन द टैब, तो ये एक सिंपल आपके पास हाइड्रोडायनेमिक डायनेमिकल मॉडल है, जो कि आपके पास जो है बिजली के जरिए से या पानी के जरिए से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं टर्बाइन के वाले से, तो ये तरीकाकार तैयार किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि सिंपली टैब को ओपन किया जाए, तो जिसकी वजह से आपके पास जो है वाटरफॉल आ रहा है, एंड इस वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इस मैग्नेट के ऊपर लगे हुए रोटेटर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके नतीजे के अंदर मैग्नेट मूव कर रहा है, और आपके पास यहाँ पे कंपास मैग्नेट मूव कर रहा है, जिसके नतीजे के अंदर सेकंड कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर आपके पास कंटिन्यूसली बिजली प्रोड्यूस होती जा रही है, बल्ब जो है वो रोशन होता है। तो इस तरह आप जितनी स्पीड से इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, और उतनी ज़्यादा आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यू कैन से द जनरेटर, जिसके अंदर आपके पास जो है जितना ज़्यादा फ्लो है उतना ज़्यादा आरपीएम हम बना रहे हैं। इफ़ यू नोटिस दैट, तो ये आपके पास क्या है, ये आरपीएम है रोटेशन पर मिनट, सो इट्स 92 रोटेशन पर मिनट। तो उस हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती होगी, और उसके मुताबिक इन सारी सिचुएशन को रखा जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है हमें एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन जो है इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, और किस तरह से हम इनको हर हिस्से के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो इस तरह की लिटिल बिट एग्जांपल जो है हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं कि ये किस तरह से आपके पास जो है म्यूचुअल इंडक्शन जो है हमारे वर्किंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो विद दीज एग्जाम्पल्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, कि किस तरह से हम किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों को स्टोर करके और एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, और किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर बना सकते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर जो है हम मैकेनिकल ऑसिलेटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम या फिर आप सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल के तौर पे स्टडी किया जा सकता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई डिस्कशन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से अपने सवाल और कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफिज़।